नामीबिया में जन्मे 8 चीतों की हरकत से लेकर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मदद करेंगे। इसके लिए नानाजी देशमुख का पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टिक एंड हेल्थ स्कूल के 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। टीम के सदस्य चीतों की क्वारंटाइन सुविधा कुनो नेशनल पार्क में उनके स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी रखेंगे। केंद्र सरकार के अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा इस टीम का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के स्वास्थ्य पर नजर रखने और उनकी हरकत का विश्लेषण करने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय की इस टीम में डॉक्टर देवेंद्र पोड़ादे, डॉक्टर सोमेश सिंह और डॉक्टर केपी सिंह को शामिल किया है।